नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सुमित और आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। और दिल्ली सल्तनत का ये पहला वीडियो है जिसमें हमें पढ़ना है गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो हमने मेडाइवल हिस्ट्री के चार पार्ट अभी तक देख लिए हैं, जिसमें अभी तक हमने उसकी टाइमलाइन, उसके अलावा भारत पे पहले इस्लामिक आक्रमण, उसके बाद 17 आक्रमण जो हुए मोहम्मद गजनवी के उसको, और उसके बाद तराइन की जो दोनों लड़ाइयां हैं वहां तक का हमने इतिहास पढ़ लिया है। तो अब हमें देखना है कि ये गुलाम वंश है, ये कैसे इसकी नींव भारत में पड़ी और उसके बाद आने वाले समय में कंटिन्यू गुलाम वंश 1526 तक रहता है, उसके बाद मुगल शासन आ जाता है और भारत में किस तरीके से ये रूल स्थापित हुआ। आपको पता है जब पहले मैं इससे पहले वाला वीडियो आपको कंप्लीट करा रहा था तो उसमें तराइन की दोनों लड़ाइयां हुई और उसके बाद मोहम्मद गोरी की विजय होने के बाद मोहम्मद गोरी भारत में अपने एक स्लेव यानी कि अपने एक गुलाम को यहाँ पे छोड़ जाता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वही व्यक्ति बाद में स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर बनता है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है स्लेव डायनेस्टी में, और ये हमारे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और वेरियस स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सारी चीजों को समझिए। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड का जो समय है वो शुरू होता है 1206 एडी से लेके और इसका समापन हो जाता है जब बाबर का पहला आक्रमण होता है पानीपत की लड़ाई 1526 एडी में। तो 1206 से लेके 1226 का जो समय है उसको कहा जाता है भारत के दिल्ली में दिल्ली सल्तनत पीरियड। ओके, तो इस समय तक इन्होंने शासन किया और इसमें मेजरली 5 डायनेस्टी ने रूल किया और वो 5 डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश जिसने किया 1290 से 1320 तक, जो कि सबसे पावरफुल राजा भी इसमें ही था जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, लगभग 94 साल तक शासन किया 1320 से 1414 तक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी जिसने 37 साल तक शासन किया, और उसके बाद आखिरी जो वंश था वो था लोधी वंश जिसने 1451 से लेके 1526 तक युद्ध ये इस पे शासन किया दिल्ली पे। ठीक है, तो इनका कितना एरिया आता था किस तरीके से हमें सबको सेपरेटली पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी अलग पढ़ेंगे, खिलजी अलग पढ़ेंगे, तुगलक, सैयद और लोधी पांचों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो इतने 300 सालों तक इनका जो शासन रहा भारत के अंदर और 5 डायनेस्टीज ने मेजरली रूल किया, ये सारी चीजें हैं दिल्ली सल्तनत पीरियड की। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की और ये 1206 से लेके 1290 तक के समय को कहा जाता है। देखो गुलाम वंश 1206 में शुरू क्यों हुआ, जबकि आपको पता है तराइन की जो पहली लड़ाई है, तराइन की जो दूसरी लड़ाई है जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था वो 1192 में हो गई थी, और 1192 में उसके बाद उसने चंदावर की लड़ाई लड़ी और भारत में कुछ समय तक वो रुका और उसके बाद वो चला गया था भारत से, लेकिन उसको सल्तनत पीरियड में काउंट नहीं किया जाता, वो मोहम्मद गोरी का समय था। उसके बाद जब मोहम्मद गोरी 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब वो यहाँ पे अपना एक गवर्नर नियुक्त करके जाता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 में उसकी मृत्यु के बाद खुद को स्वतंत्र यहाँ पे घोषित करता, उससे पहले वो मानता है कि वो मोहम्मद गोरी के अंडर ही गवर्नर है। ठीक है, तो इसलिए उसके शासन से 1206 से लेके जो है स्लेव डायनेस्टी या फिर दिल्ली सल्तनत पीरियड शुरू होता है। ठीक है, अब इस सल्तनत स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। मामलुक डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, मामलुक का मतलब होता है एक तरह से स्लेव यानी कि ओन्ड, जिसको कोई दूसरा उसको ओन करता है। ठीक है, तो ये मामलुक का मतलब स्लेव होता है, लेकिन स्लेव वो स्लेव नहीं है जिनकी कोई अधिकार नहीं है, किसी तरीके के उनके पास राइट्स नहीं है और कमजोर है, वो वाले स्लेव ये नहीं होते थे। मामलुक एक स्पेशल टाइप के स्लेव्स होते थे जो सच में बहुत पावरफुल थे, मिलिट्री इनके स्किल्स अच्छे थे और इनको अच्छी पोस्ट के ऊपर रखा जाता था, अच्छा सरदार या तो मिलिट्री सरदार होता था या फिर अच्छा या मिनिस्टर वगैरह होते थे, तो नाम के ही ये स्लेव होते थे, बाकी इनके पास पावर होती थी। और इनका जो शब्द है ये मामलुक बेसिकली शुरू हुआ था मिडल ईस्ट और इजिप्ट इराक वाले एरिया से, वहाँ के जो स्लेव होते थे, जो मामलुक जो होते थे वो बहुत ही पावरफुल होते थे। तो ये स्लेव और या फिर मामलुक डायनेस्टीज को कहा जाता है और इसकी नींव रखी भारत में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये चीज है स्लेव डायनेस्टी के बारे में। अब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, ये व्यक्ति क्या इसने काम किया। पहली बात, ये जो है ये स्लेव था। दूसरी चीज, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। हमेशा ये बात याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट सुल्तान इसको कहा जाता है, एक बात के लिए सुल्तान कहा जाता है लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसके बाद आती है कि ये डेथ इसकी कैसे हुई थी, पोलो खेलते समय, जब भी अपने अंतिम समय पर पोलो खेल रहा था उस समय,
तो इसकी चौगान भी बोलते हैं पोलो को, उस समय चौगान बोला जाता था। तो चौगान खेलते समय किस दिल्ली के सुल्तान की डेथ हुई, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कई बार सवाल ये पूछा गया है। इसने क्या क्या काम करवाए? इसने कुवात इल इस्लाम मस्जिद की निर्माण कराया दिल्ली में, कुतुब मीनार का निर्माण कराया दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं करवा पाया, आपको पता है कुतुब मीनार में 3 मंजिला इमारत है वो, और वो भारत की सबसे ऊंची मीनार है ये आपको पता है। लेकिन उसका पहला जो फ्लोर है, पहली जो छत है, वहीं तक ये बना पाया, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। बाकी की जो 2 फ्लोर है उसको निर्माण कराया इतुलमिश ने, ठीक है। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। अब कुतुब मीनार में कुतुब शब्द जब दिखता है तो कोई सोचेगा कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही नाम पे बनवाई होगी, लेकिन कुतुब मीनार अपने नाम पे नहीं, ये डेडिकेट की गई थी एक फेमस सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। तो इनके नाम में भी कुतुबुद्दीन है और इसके नाम में भी कुतुबुद्दीन है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल अगर पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके लिए करवाया? तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए, ठीक है। और इसका निर्माण पूरा किसने करवाया, तो आपको बताना है इतुलमिश ने, ठीक है। तो ये 3 सवाल बनते हैं, कहाँ पे है ये बताया, दिल्ली में, ठीक। उसके बाद आता है, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है, और ऐसा माना जाता है पहले यहाँ पे संस्कृत कॉलेज था, और 1192 में जब तराइन की लड़ाई जीत जाता है तो उसके बाद उसी को डिस्ट्रॉय करके, उसको दूसरे तरीके से बिल्ड करके 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया जाता है जब, ठीक है। और अजमेर तो आपको पता ही है उस समय रूल में आया करता था पृथ्वीराज चौहान के। तो जब पृथ्वीराज चौहान हार गया तो पृथ्वीराज चौहान का जितना भी एरिया था वो सारा ही मोहम्मद गोरी के क्षेत्र में आने लग गया था, ठीक है। तो ये इसने कुछ काम कराए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद आती है बात, ये देखो ये है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और 2.5 दिन का झोपड़ा है ये, है कुतुब मीनार, फेमस कुतुब मीनार, बहुत ही सुंदर है, दिख रही है आपको। और इसका निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद शुरुआत में इतुलमिश राजा नहीं बनता है, याद रखना है। इतुलमिश इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले आराम शाह नाम का एक व्यक्ति होता है, वो इसका बेटा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो शासन करता है, लेकिन उस वो ज्यादा अच्छा रूलर नहीं होता है, तो उसको इतुलमिश गद्दी से हटा के शासन करना शुरू करता है 1211 से लेके 1228 तक ये के बीच में, और सॉरी ये नहीं है, 1211 से शुरू करके ये करता है 1236 तक का शासन इसमें करता है। He was the first issue regular currency and declared Delhi as a capital of empire. तो इससे पहले जो शासक था, जो हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली को अपनी कैपिटल घोषित नहीं करता है, वो लाहौर ही उसकी राजधानी रहती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो दिल्ली को राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इतुलमिश। उसके बाद इतुलमिश प्रॉपरली सिस्टमेटिक ढंग से इस शासन को चलाता है। आपको पता है सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तरह से अपने आप को बाद में भी बहुत ही हम्बल नेचर का व्यक्ति था, और वो खुद को एक तरह से वो नहीं मानता था, राजा नहीं मानता था, वो मानता था कि मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो सिर्फ उसकी जो वो कह चाहता है, जो गौरी चाहता है वही काम कर रहा है, ठीक है। और एक चीज मैंने यहाँ पे बताना भूल गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श इसलिए क्योंकि जैसे लाख बख्श देने वाला व्यक्ति, यानी कि बहुत ज्यादा ही दानवीर व्यक्ति था, बहुत लोगों को ये अच्छे अच्छे दान दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। ये बात हो गई। उसके बाद इसने पहली बार जो है रेगुलर करेंसी चलाई, यहाँ पे सिक्के चलाए, सिल्वर का टक्का चलाया, कॉपर का जितल चलाया, और इनकी कुछ जो है वैल्यू निर्धारित करी, और इनका जो वेट है स्टैंडर्ड वेट वो 175 ग्रेन हुआ करता था। उसके बाद इसने इक्तादारी सिस्टम स्टार्ट किया। इक्तादारी सिस्टम क्या था, यानी कि अधिकारियों को कितनी सैलरी दी जाएगी, वो उनका क्या काम होगा, तो इक्तादारी सिस्टम इसने पूरी तरह से स्टार्ट किया। पहले जो क्या है एक पूरा रेगुलेट सिस्टम नहीं हुआ करता था, हर किसी को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था जो राज दरबार में रहा करते थे, लेकिन इसने एक अधिकारियों के लिए इक्तादारी सिस्टम शुरू की, और पूरी तरीके से इक्ता सिस्टम इसको कहा जाता है, एम्पायर को डिवीजन वाइज बांट दिया गया, ठीक। उसने हज ए शामसी नाम का एक रिजर्वोयर यानी कि एक तालाब खुदवाया मेहरौली में 1230 में, ठीक है, 1230 में इसने ये तालाब खुदवाया। उसके बाद आती है बात, ही कंप्लीट कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, जो कि इसने एक फ्लोर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और बाकी 2 इसने बनवाए। फिर है बात ये है कि ये सुल्तान घरी विच वेज कंसिडर्ड द फर्स्ट इस्लामिक म्यूजियम इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई हिम इन द मेमोरी ऑफ हिज एल्डर सन प्रिंस नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका बेटा था, उसकी डेथ की वो याद में इसने एक पहला म्यूजियम बनवाया, इस्लामिक पहला इस्लामिक म्यूजियम जिसको जाना जाता है भारत में सुल्तान घरी, ठीक है,
ये याद रखना है। तो पहला मुस्लिम जो इस्लामिक म्यूजियम है वो किसने बनाया, वो भी इतुलमिश ने बनाया। और एक बात और है, ये जो सुल्तान का जो पद है उसको वंशानुगत करने वाला व्यक्ति भी इतुलमिश ही था भारत में, ठीक है। और इसको भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखो फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है सुल्तानिक पीरियड का, सल्तनत पीरियड का, लेकिन वास्तविक यानी कि इसने रियल में जो पूरा सिस्टमेटिक तरीके में से जो काम किया उसकी वजह से इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। फिर इसने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स का इसने एक व्यक्तियों का एक वो बनाया कि जैसे जो राय देंगे राजा को, जो सुल्तान को राय देंगे क्या क्या करना चाहिए, और वो पावरफुल लीडर्स होंगे, एक तरह से मंत्रालय बनाया। और उसको कहा जाता था 40, क्योंकि जिसमें 40 व्यक्ति होते थे। और इसका दूसरा नाम था तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी इसने बनाया। और ये आगे चल के भारी भी पड़ेगा इसके वंश में, जब रजिया सुल्तान किंग इस किंगडम को संभालेगी उसके बाद भारी पड़ेगा, क्योंकि 40 का ही एक हेड होता है, सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, और वो बहुत पावरफुल हो जाता है आगे चल के, और फिर वो राजा भी बन जाएगा आगे जाके। तो ये चीजें होती हैं और इसको बोलते हैं 40। तो 40 का मेंबर कौन था, बलबन, याद रखना है। फिर चंगेज खान जो है एक मंगोल शासन है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से युद्ध किया करता था, सबसे पावरफुल मिलिट्री लीडर्स में से एक माना जाता है एशिया का उसको। और ये इसके समय भारत पे इसने एक बार चढ़ाई करी थी 1212 में, 1212 में भारत पे आक्रमण करने के मकसद से भारत में नहीं आया था। एक्चुअली जो मैं आपको खवारज्मी एम्पायर बताता था पिछले वीडियो में, हमने डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे मोहम्मद गोरी की, तो खवारज्मी एम्पायर का एक रूलर हुआ करता था जलालुद्दीन मांगबरनी, मांगबरनी, ठीक है, उसके साथ उसकी लड़ाई थी चंगेज खान की। और वो मांगबरनी भारत की तरफ भाग के आ गया कि इतुलमिश को उसने बोला कि मुझे अपनी शरण दे दो, लेकिन इतुलमिश भी जानता था कि चंगेज खान कितना खतरनाक व्यक्ति है, तो उसने उसको नहीं दी, अपने यहाँ पे शरण नहीं दी। इसकी वजह से उसने चंगेज खान से भारत को बचा लिया। अब वरना चंगेज खान इतना पावरफुल था, आपको पता, मैं आपको बताऊंगा चंगेज खान की जब हम बायोग्राफी पढ़ेंगे और उसके जो फेमस वॉर हैं उनको देखेंगे, तो ये बहुत खतरनाक मिलिट्री लीडर था जो किसी को बख्शता नहीं था, जो भी इसके रास्ते में आता था उस एरिया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया करता था, ठीक है। तो चंगेज खान के बारे में सबने सुना ही होगा थोड़ा बहुत, तो ठीक है। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्लेव रूलर, तो इसने सबसे ज्यादा समय तक स्लेव डायनेस्टी में रूल किया, लगभग 25 तक इसने शासन किया। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है और इसने बंगाल वाले इलाके को भी जीत लिया था, ये बनारस वाला इलाका। तो जब स्लेव डायनेस्टी का जो अंपायर है इतुलमिश के पीरियड में ही वो यहाँ तक था, ठीक है। तो काफी इलाका था जो कि इसके शासन में रूलिंग किया करता था जहाँ पे ये। फिर बात आती है रजिया सुल्तान की। देखो रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी और भारत में पहली एक ऐसी मुस्लिम रूलर थी और लास्ट रूलर भी थी दिल्ली तख्त पे बैठने वाली, इसके अलावा कोई महिला दिल्ली के तख्त पे नहीं बैठी, ठीक है। तो बात यह है कि इसके बाद इसका भाई जो था वो बना था शुरुआत में तो नासिरुद्दीन महमूद, जो कि जिसको आपने हमने देखा था उसके नाम पे एक म्यूजियम बनाया गया, तो इसका मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ के बाद इतुलमिश रजिया सुल्तान को घोषित करता है अपना वारिस की रजिया मेरे बाद ही इसका शासन संभालेगी, ठीक है। लेकिन जो लोग हैं, ये इसकी पूरी कहानी आप ढंग से समझ लीजिए, जो लोग हैं 40 ग्रुप के लोग और नोबल्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को, वो नहीं चाहते कि रजिया सुल्तान बने, एक महिला उनके ऊपर रूल करे। तो इसकी वजह से इसमें काफी सारे विवाद चलते हैं। इसकी जो कहानी है वो आपने सुनी होगी, रजिया सुल्तान पे मूवी भी बनी है, रजिया सुल्तान के ऊपर आपने गाने भी सुने होंगे, रजिया फंस गई गुंडों में, वो इसी पे बना है कि रजिया सुल्तान को घेर के मार दिया जाता है 1240 में। तो 1236 में रूलर बनती है, इसकी मिलिट्री टैक्टिक्स भी आते हैं इसको, इसने पूरी तरह से पुरुषों की तरह ट्रेनिंग ली होती है। उसके बाद इसका विरोध करते हैं इसके हाफ ब्रदर हैं, जो दूसरे जो स्टेप ब्रदर्स वगैरह हैं रुकउद्दीन फियाज, ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है इतुलमिश के बाद, लेकिन इसको मरवा दिया जाता है सबसे पहले, तो क्योंकि ये अनफिट होता है, ये प्रॉपर अच्छा लीडर नहीं होता है, तो सबसे पहले इसको मार दिया जाता है। फिर 10 नवंबर 1236 को रजिया सुल्तान बनती है दिल्ली, ठीक है। उसके बाद जब लोग इसका विरोध करते हैं तो अपनी इज्जत प्राप्त करने के लिए कि लोग मुझे इज्जत करें, तो पुरुषों की तरह रहना शुरू कर देती है, पर्दा वगैरह त्याग देती है और घोड़े की सवारी करना शुरू कर देती है, और अपना जो कपड़ा है वो पहनने का तरीका, सर पे टोपी रखना और ये सब चीजें ये शुरू कर देती है। उसके बाद ये व्यक्ति होता है अल्तुनिया, इसको ये पहले घोषित करती है भटिंडा का गवर्नर। और ये अल्तुनिया सबसे पहले क्या कर देता है, एक विद्रोह कर देता है। फिर अल्तुनिया को मनाने के लिए और भटिंडा ये जाती है। इस समय जब ये भटिंडा जा रही होती है उसके बाद इसका एक भाई होता है मियुज दीन उल बहराम, ये खुद को रूलर घोषित कर देता है यहाँ,
ठीक है। उसके बाद ये अल्तुनिया से शादी कर लेती है वहां जाके बठिंडा में, और चाहती है कि अब शादी करके मैं जाके अल्तुनिया को एक पपेट लीडर बना दूंगी और खुद ही शासन करूंगी एक तरीके से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और ये जब वापस दिल्ली आते हैं तो इसकी इनकी हत्या कर दी जाती है घेर के। उन्हीं में हाथ था एक तो इसका बहराम का और दूसरी तरफ बलबन का। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान का जो जो व्यक्तित्व है ये फेमस था और इसको हत्या कर दी जाती है 1240 में, ठीक है। तो ये पहली और लास्ट रूलर है रजिया सुल्तान। उसके बाद मैंने बताया आपको तीन रूलर और होते हैं, ये बहरम शाह, अलाउद्दीन महरम शाह, और उसके बाद महमूद, और लास्ट में आता है बलबन, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है बीच के। आपसे पूछा जाएगा बलबन के बारे में। जो बलबन है ये बीच के जो रूलर्स हैं उनको अपनी उंगलियों पे नचाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ तक आते आते 1266 तक आते आते जो चालीसा जो ग्रुप है वो बहुत ही पावरफुल हो गया था, और चालीसा की सारी कमान भी बलबन के पास हुआ करती थी। तो बलबन ने बाद में क्या किया, बहरुद्दीन को, इसका ओरिजिनल नाम बहरुद्दीन था, इसने क्या किया, नासिरुद्दीन महमूद जो कि रूलर था उसी इतुलमिश की फैमिली का, उसको जाके मार दिया, उसको हटा दिया तख्ते से। उसके बाद इसने क्या किया और ये खुद रूलर बन गया सुल्तान डायनेस्टी का, जो कि स्लेव रूलर नहीं था, ठीक है। ग्रेटेस्ट स्लेव रूलर माना जाता है इसको, ये स्लेव उसका नहीं था जो हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी का, ये स्लेव किसका था, इतुलमिश का था। अब इतुलमिश वैसे तो आप पता है कि गुलाम वंश के जो शासक हैं वो सब गुलाम थे किसके, मोहम्मद गोरी के, लेकिन इतुलमिश को आजाद कर दिया था मोहम्मद गोरी ने, तो ये गुलाम नहीं रहा था, ठीक है। तो इसने अपने अंडर एक स्लेव रखा, वो था बलबन, ठीक। उसके बाद क्या किया इसने, सबसे पहले तो वो चालीसा का जो ग्रुप था उसको इसने खत्म कर दिया, क्योंकि खुद ये जानता था उसमें ये रहा था, उसकी पॉलिटिक्स ये जानता था कि ये बहुत पावरफुल ग्रुप बन चुका है चालीसा चहलगामी, इसको खत्म करने की जरूरत है, वरना आज जिस तरीके से मैंने तख्ता पलट किया वैसे ही कोई और तख्त पलट कर सकता है। उसके बाद इसने जम्बियोनोस, एक पर्शियन कल्चर था, उसको अपनाया और कहा कि हर कोई इस एम्पायर के सामने लेट के एक तरह से पूरी तरह से सुल्तान को उसकी इज्जत करेगा, और जो सुल्तान कहेगा वही उसकी आखिरी इच्छा होगी, और सुल्तान की पूरी बातें सर माथे पे रखी जाएंगी, मतलब सुल्तान की जो पावर है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो ये कहा जाता है रक्त और लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई, तो ये था गयासुद्दीन बलबन, यानी कि लोह एंड ब्लड की नीति क्या है कि जो भी रिबेलियन है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था, ठीक है। उसके अलावा इसने मंगोल शासकों को भी हराया, मंगोल के जो युद्ध होने वाले हो रहे थे भारत पे उनको बैक किया, उनको रिपल्स किया, तो इसलिए इसका नाम उलग खान भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद मियो का, एक मियो ट्राइब हुआ करती थी भारत में, उसने रिबेल किया था मेवात में और उनको पूरी तरीके से ब्रूटली इसने उनको हटा दिया, उनको रिबेल को रिपल्स कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, इसकी डेथ के बाद इसका बेटा पुत्र था ग्रैंडसन कैकुबा, वो इसको सक्सीड करता है। कैकुबा एक बहुत ही बेवकूफ टाइप का लीडर होता है और कमजोर होता है, और उसकी बाद उसकी मृत्यु के बाद और ये जो गुलाम वंश है पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसकी जगह आ जाता है खिलजी वंश, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, कैकुबाद की कहीं जगह मिलती है कि कैकुबाद की अपनी स्ट्रोक की वजह से मृत्यु हो जाती है, और कहीं ऐसा मिलता है कि जो कैकुबाद है उसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि एक लीडर हुआ करता था उस समय पे, एक गवर्नर हुआ करता था स्लेव डायनेस्टी के अंदर। तो इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी है वो पूरी तरह से खत्म होती है, कैकुबाद इसका आखिरी लीडर होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका प्रथम लीडर होता है, और इनके जो काम है वो हमने देखे। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो करके वहां भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक पेज भी हमारा आप लाइक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।